तो सबसे पहले, अच्छा वो वाला है जो चला गया, कोई बात नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, वो स्लाइड मिस हो गई, कि अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। यानी कि आप अगर एक प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से स्टेट करते हैं, अच्छी तरीके से परिभाषित करते हैं, अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, तो समस्या अपने आप आधी सॉल्व हो जाती है। यानी कि उसका सलूशन उसी में निहित है कि आप कितने अच्छी तरीके से उसको लिख रहे हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम को जाने तो सबसे पहले कि द इनिशियल एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस इज़ फॉर्म्यूलेटिंग अ प्रिसाइजली डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम। यानी कि आपकी जो अनुसंधान की प्रक्रिया है, जो आपकी रिसर्च वर्क है, उसमें जो पहला और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम ही तो लेनी है, कोई सी भी ले लेते हैं, काम शुरू करते हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप कौन सी रिसर्च प्रॉब्लम का सिलेक्शन कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इज़ फॉर्मुलेटिंग अ प्रिसाइजली डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि प्रिसाइज भी होनी चाहिए, बहुत वेग नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत ब्रॉड नहीं होनी चाहिए। प्रिसाइजली डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम का सिलेक्शन किसी भी रिसर्च प्रोसेस में फर्स्ट मोस्ट एंड क्रूशियल स्टेप है। द टर्म रिसर्च प्रॉब्लम रिफर्स टू ए स्पेसिफिक क्वेश्चन, इश्यू और एरिया ऑफ इंक्वायरी दैट अ रिसर्चर वॉन्ट्स टू इन्वेस्टिगेट और एक्सप्लोर थ्रू द रिसर्च प्रोसेस। यानी कि जो अनुसंधान समस्या है, उसे आप ये समझ सकते हैं कि वो एक विशिष्ट प्रश्न है, कोई मुद्दा हो सकता है, कोई जांच का क्षेत्र हो सकता है, जिसको कि अनुसंधानकर्ता चाहता है, क्या चाहता है कि उसमें खोजे, कुछ निकाले अपने रिसर्च प्रोसेस के दौरान। द रिसर्च प्रॉब्लम इज टिपिकली फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन गैप्स और डिफिशियंसीज इन एग्जिस्टिंग नॉलेज। और जो हमारी रिसर्च की प्रॉब्लम होती है, वो टिपिकली मतलब विशिष्ट रूप से उसका फॉर्मुलेशन होता है आधारित किस पर, जो कि हमारा जो जो नॉलेज का बेस है, जो नॉलेज एग्जिस्टिंग नॉलेज है किसी भी डिसिप्लिन की जिसमें हम रिसर्च करने जा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ गैप्स होते हैं, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, उन्हीं को सॉल्व करने के लिए हमारी रिसर्च प्रॉब्लम हम फॉर्मुलेट करते हैं विद इन ए पर्टिकुलर फील्ड और डिसिप्लिन। मतलब अनरिजॉल्व मतलब गैप्स और डेफिशियंसीज हो सकती हैं, यानी एग्जिस्टिंग नॉलेज में क्या कमी है, क्या गैप है, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका उत्तर अभी तक अनुत्तरित प्रश्न है ना, जिन प्रश्नों के उत्तर अभी तक आपको नहीं मिले हैं, कोई ऐसे प्रैक्टिकल कंसर्न के मुद्दे हैं या कुछ उभरते हुए ऐसे मुद्दे हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड या डिसिप्लिन के अंतर्गत। आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम आर क्रिटिकल स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस। यानी कि किसी भी रिसर्च की प्रक्रिया में आपकी अनुसंधान समस्या को खोजना, मतलब आइडेंटिफाई करना और उसको परिभाषित करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज दे प्रोवाइड डायरेक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। क्योंकि इसी से आपकी स्टडी, आपके अध्ययन को दिशा मिलती है, विषय क्षेत्र मतलब उसका क्षेत्र कितना स्कोप वो कवर करेगी और उसके उद्देश्य भी यहीं से निकल के आते हैं। अ रिसर्च प्रॉब्लम इज अ स्टेटमेंट दैट एड्रेसेस अ गैप इन नॉलेज, चैलेंज और कंट्राडिक्शन इन योर फील्ड। एक अनुसंधान की समस्या एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि जो आपका क्षेत्र है उसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, या कौन सा ऐसा गैप है नॉलेज में, उसको इसमें से ही किसी चीज को एड्रेस करता है। फिर अगर आप डिफाइन करना चाहें रिसर्च प्रॉब्लम को, तो डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इज क्रूशियल इन डिफाइनिंग द क्वालिटी ऑफ द आंसर्स एंड डिटरमिनिंग द एग्जैक्ट रिसर्च मेथड यूज। यानी कि जब आप अपने अनुसंधान समस्या को परिभाषित करते हैं, वो क्रूशियल होता है ये बताने में कि जो उत्तर आपको मिलेंगे उसके क्वालिटी क्या होगी और कौन सा रिसर्च मेथड यूज़ किया जाएगा। जो लोग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि हमारे रिसर्च के फॉर्मुलेशन में ही ये निहित है कि हम उसको क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक तरीके से उसका अध्ययन करेंगे या गुणात्मक तरीके से करेंगे। इट इज अ फ्यूल दैट ड्राइव्स द साइंटिफिक प्रोसेस एंड इज द फाउंडेशन ऑफ एनी रिसर्च मेथड इन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये एक इस तरीके का ईंधन है जो कि जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसके लिए ड्राइवर का काम करता है, यानी कि चलाता है हमारी रिसर्च को, और किसी भी रिसर्च मेथड का फाउंडेशन होता है और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का भी। अ क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूजेस डिडक्टिव रीजनिंग। ये आपको कई जगह मिलेगा, बार बार मिलेगा, कई बार क्वांटिटेटिव को एज सिनोनिम की तरह भी यूज़ कर लेते हैं, डिडक्टिव मेथडोलॉजी या डिडक्टिव रिसर्चेस, और क्वालिटेटिव को इंडक्टिव। और डिडक्टिव इंडक्टिव हमने बहुत पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, जब हम फिलोसफी पढ़ते हैं तो हम डिडक्टिव इंडक्टिव पढ़ते हैं, जब हम आपका यू कैन से प्लान क्या लेसन प्लान जब बनाते हैं तब हमको बताया जाता है कि नहीं आपको कैसे चल रहा है, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल। तो ये हम शब्दावली कई बार जान चुके हैं, तो हमें पता होगा कि जो अगमनात्मक और निगमनात्मक जिसको कहते हैं, तो जो डिडक्टिव रीजनिंग है उसमें हम जनरल आइडिया से स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरह निकलते हैं। यानी कि बहुत सारे हमको जनरल आइडिया मिलेंगे, हम उसे एक विशिष्ट निष्कर्ष निकालेंगे टू अराइव एट ए टेस्टेबल हाइपोथेसिस। और क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में हम इंडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक्ट ऑफ मेकिंग जनरलाइज्ड कंक्लूजंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सिनेरियो। यानी कि एक विशिष्ट परिदृश्य से हम बहुत सारे
सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं, टू प्रपोज अ रिसर्च स्टेटमेंट। तो ये देखिए बेसिक डिफरेंस यहीं से समझ में आ रहा है कि जो क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वहाँ आप टेस्टेबल हाइपोथेसिस पर पहुँचते हैं, और जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है उसमें आप एक रिसर्च स्टेटमेंट का को प्रपोज करते हैं। बाकी और आगे आप जानेंगे, पहले भी मैं आपसे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का डिफरेंस बात कर चुकी हूँ। फिर डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम इफेक्टिवली, अभी तक तो था डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, अब डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम इफेक्टिवली, प्रभावपूर्ण तरीके से कैसे समस्या का समाधान को, अनुसंधान के समाधान को, अनुसंधान की समस्या को परिभाषित किया जाए। तो सबसे पहले ऐसे ही आप वॉन्डरर मत बनिए कि आज ये थोड़ा सा देख लिया, कल वो देख लिया, कौन सा नहीं, आपको चुनना होगा। क्या चुनना होगा? एक ब्रॉड टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो विस्तृत हो और जिसके लिए आप पैशनेट हो, जो आपका पैशन हो, आप उसके जानकार हो, आप उसमें और जानना चाहते हो। जैसे वो वोकेशनल एजुकेशन का मुद्दा हो सकता है, हायर एजुकेशन का हो सकता है, प्रोफेशनल एजुकेशन का हो सकता है, टेक्निकल एजुकेशन का, टीचर एजुकेशन का, स्कूल एजुकेशन का, विमेन एजुकेशन का, जेंडर एजुकेशन का, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि कोई एक ब्रॉड टॉपिक पहले आपको चुनना होगा। कोई ना कोई, आप इतने सारे विषय पढ़ते हैं, कोई ना कोई आपके दिल के करीब होता है, आपको अच्छा लगता है आपको उसको पढ़ना, उसको जानना, तो निश्चित रूप से हमको टॉपिक वहीं से निकालना होगा जिसके बारे में हम पैशनेट हों, और या कोई ऐसा इश्यू हो सकता है जिसको हमने ऑब्जर्व किया हो कि इसमें और जांच की आवश्यकता है। फिर हमने देख लिया कि ठीक है भैया, हम गर्ल एजुकेशन पे रिसर्च करेंगे, वो हमको अच्छा लगता है, हमको उसके मुद्दे हमको प्रभावित करते हैं, ज्वलंत लगते हैं कि उस पर रिसर्च की जा सकती है। फिर क्या करें? अब ढूंढना शुरू कीजिए, एग्जिस्टिंग लिटरेचर का रिव्यू करना शुरू कीजिए। रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर ये अपने आप में अलग टॉपिक है, अलग और बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर बहुत लेक्चर लिए जा सकते हैं कि जो जिसको आप रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कहते हैं या लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, कि जो लिटरेचर अवेलेबल है, पब्लिश्ड है ना, पहला काम हो चुका है, पहले अनुसंधान हो चुके हैं, उस पर बुक्स लिखी गई हैं, जर्नल आर्टिकल्स हैं, मैगजीन्स में निकला है, पेपर में निकला है, उसको आप रिव्यू यानी कि पुनः दूसरे दृष्टिकोण से, उस दृष्टिकोण से कि वो आपके रिसर्च के लिए कितना फ़ायदेमंद है, उस दृष्टिकोण से देखिए। तो कंडक्ट अ थॉरो रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन रिसर्च्ड विद इन योर चोजन टॉपिक एरिया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए है कि हमको ये पता चल जाए कि किस किस टॉपिक पर काम हो चुका है, अदरवाइज़ हमारा डुप्लीकेशन हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ अवर एफर्ट जाएगा और निकल के कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही कोई अनुसंधान करता उस पर काम कर चुका है। सबसे फॉरमोस्ट तो यही होता है, बाकी बहुत सारे होते हैं। फिर हमने जब लिटरेचर को रिव्यू कर लिया तो हमको वो गैप पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, हमने 10 20 50 100 आर्टिकल पढ़ लिए तो हमको पता चल गया कि सब तरीके से बात हो रही है, लेकिन यही एक एंगल है जो अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया है, या इस तरीके से नहीं किया है, या इन परिस्थितियों में नहीं किया है। तो वो गैप का आप आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे बेस्ड ऑन योर रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। आपने जो रिव्यू किया है लिटरेचर को, उसी पर आधारित होगा वो पिन पॉइंट द स्पेसिफिक गैप और गैप्स इन नॉलेज दैट योर रिसर्च एम्स टू एड्रेस। इससे पता चल जाएगा कि हमारी जो रिसर्च है, जो जो एड्रेस करना चाहती है, वो पिन पॉइंट कर पाएगी उस गैप या गैप्स को, अगर आपने थॉरो रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है तो। फिर हमने गैप भी आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम क्वेश्चन बना लेंगे कि हम क्या जानना चाहते हैं। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द गैप, ट्रांसलेट इट इनटू वन और मोर रिसर्च क्वेश्चंस। जब हमने गैप का आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो हम अनुसंधान के प्रश्न बना सकते हैं। फिर अनुसंधान के प्रश्न भी बना ली हमने, फिर हम क्या करें कि हम उसकी सिग्निफिकेंस चेक करें, उसकी फिजिबिलिटी चेक करें। सिग्निफिकेंस का मतलब कि वो महत्वपूर्ण है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई छोटा सा काम है जिस पर आप सिर्फ एक आर्टिकल लिख के उसका आंसर निकाल सकते हैं, या दस दिन के अध्ययन से आप उसको पता कर सकते हैं और आप उस पर पीएचडी करने जा रहे हैं। वो तो कोई गहन काम होना चाहिए, कोई बड़ा काम होना चाहिए, कोई ऐसा काम होना चाहिए जिससे कुछ निकल के आए, महत्वपूर्ण है ना। तो सिग्निफिकेंस आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, और फिजिबिलिटी यानी कि कार्यवाहकता है कि नहीं, वो कार्य करने लायक है कि नहीं। मान लीजिए कि आप बहुत शाई हैं, बहुत इंट्रोवर्ट हैं, और आप थर्ड जेंडर पे बात करना चाह रहे हैं, आप घर से कम निकलते हैं, तो वहाँ तक जाने के लिए उनसे कैसे आप इंटरेक्शन करेंगे, उसके लिए आपको कितना फेमिलियर होना होगा, कितने आपको एक्स्ट्रोवर्जन की ज़रूरत होगी, तो आपको ऐसा टॉपिक नहीं चुनना चाहिए। फिर रिफाइन एंड नैरो डाउन, हम बड़े से चले थे गर्ल एजुकेशन, लेकिन गर्ल एजुकेशन तो इतना बड़ा टॉपिक है, उसमें कौन सा इशू चाहिए आपको, कौन सा मुद्दा चाहिए, तो अब आप रिफाइन कर लीजिए और नैरो डाउन कर लीजिए अपनी रिसर्च को। फिर जब आपने नैरो डाउन भी कर लिया तो अब आप उद्देश्य या और परिकल्पना को परिभाषित कीजिए कि हम अपने अनुसंधान कार्य में इन इन उद्देश्यों की पूर्ति चाहते हैं, या ये परिकल्पनाएं, क्योंकि आप इतना रिव्यू कर चुके हैं लिटरेचर तो आपको पता है कि आप ये परिकल्पना हो सकती है, यानी कि इन इन चरों के बीच में ये संबंध आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है।
फिर रिव्यू एंड रिवाइज, और फिर देखिए आप फाइनली रिव्यू एंड रिवाइज योर रिसर्च प्रॉब्लम्स, फिर से आप उसको देखेंगे, उन क्वेश्चंस को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस को देखेंगे, ये तय करने के लिए कि क्या वो अच्छी तरीके से लिखे गए हैं, अच्छी तरीके से परिभाषित हैं, कोहरेंट हैं, जो रिसर्च प्रॉब्लम जानना चाहती वही ऑब्जेक्टिव्स भी जानना चाहता है, और अगर आपने हाइपोथेसिस बनाया तो वो भी वही जानना चाहता है, उसी की ओर इंगित कर रहा है, और सब कुछ ओवरऑल रिसर्च गोल की ओर इंगित कर रहे हैं और कोहरेंट है, ये हमको देखना होगा। फिर सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कहाँ से मिलेगी रिसर्च की प्रॉब्लम, है ना, हम लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि कहीं लिखी मिल जाती है रिसर्च प्रॉब्लम तो हम इस पर रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन रिसर्च प्रॉब्लम ऐसे कहीं भी आपको कोई भी गूगल सर्च नहीं देगा कि आप, और कई बार निकलते हैं, आप इसको भी गूगल करते हैं लोग, लेकिन वो वैसा नहीं निकलता है जैसा आप चाहते हैं, तो आपको ये खुद जनरेट करनी है वंस ओन इंटरेस्ट, सबसे आपको पहले ध्यान देना चाहिए वही जिसमें कहा गया था चूज योर ब्रॉड टॉपिक, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा इनकाउंटर है आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में जिस पर कि आप चाहते हैं कि अनुसंधान आधारित उत्तर आपको मिले, या कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई रियल वर्ल्ड का चैलेंज हो सकता है कि आपने अपनी पढ़ाई के दौरान महसूस किया हो, आपने अपने वर्क प्लेस में बर्नआउट पर बहुत रिसर्चेज हुई, जॉब सेटिस्फेक्शन पर बहुत रिसर्चेज होती हैं, है ना, तो जॉब आपको इतने सारे मुद्दे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं तो आप उस पर भी रिसर्च कर सकते हैं। गैप्स इन द फील्ड, अ रिसर्च प्रॉब्लम में अराइज टू फिल द गैप्स इन द रिसर्च ऑलरेडी कंडक्टेड, यानी कि निश्चित रूप से हमारा जो अनुसंधान है वो हमारे जो 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 डिसिप्लिन का एरिया है उसमें किसी ना किसी गैप को फुलफिल करने का प्रयास होना चाहिए। और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, द एप्लीकेशन, कोई थ्योरी है, जैसे मान लीजिए आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी है, आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉजी है, आपका डिजिटल पेडागॉजी है, तो इसका एप्लीकेशन चेक करने के लिए रिसर्चेज होती हैं कि ये कितना एप्लीकेबल है, ये इतनी इसकी इफ़िकेसी क्या है, ये किन किन सिचुएशंस में काम कर सकता है, ये नए कंटेक्स्ट में कैसे काम करेगा, इन सब जगहों से हमको मुद्दे और रिसर्च प्रॉब्लम के सोर्सेज मिलते हैं। इसके अलावा कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि कल्चरल, जैसे कि जो एडोलेसेंस पे जो मीड, मार्गरेट मीड का काम है, उन्होंने बताया कि ये कल्चरल है एडोलेसेंस जो फिनोमेना है, यानी कि कल्चर वाइज इसमें अलग अलग हर जगह स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम नहीं है, कई जगह उसका उत्सव मनाया जाता है, कई जगह उसको 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 आप कह सकते हैं कि आनंदित करते हैं, करती हैं एडोलेसेंट गर्ल्स, तो ये कल्चरल कंटेक्स्ट से भी रिसर्च प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। सोशल भी सोर्सेज का मुद्दा बन सकता है समाज। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यानी कि जैसे कि आजकल AI आ गया है, आपका चैट GPT आ गया है, इतने सारे टूल्स हैं आपके, तो किसी की भी इफिकेसी चेक हो रही है, यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, उसका क्या प्रोस एंड कॉन्स है, फिर बहुत सारे मुद्दे हैं, डिजिटल वर्ल्ड, ऑनलाइन वर्ल्ड, डिजिटल प्लेटफॉर्म, है ना, फिर डिस्कशन विद एक्सपर्ट्स एंड अथॉरिटीज़, वैसे ये सबसे लास्ट में होना चाहिए, पॉलिसी नीड्स इसके पहले होना चाहिए कि पॉलिसी की नीड्स, जैसे कि राधा कृष्णन कमीशन आया तो बहुत रिसर्चेस हुई हैं कि राधा कृष्णन कमीशन ने इस पर क्या कहा, उस पर क्या कहा, कितने रिकमेंडेशन हैं, कितने प्रतिशत सॉल्व हुए, जमीनी लेवल पर क्या है, है ना, उसी तरीके से इतने सारे कमीशन आ रहा है आजकल, तो NEP 2020 का बोलबाला है, तो पिछले 5 साल से, तो जब से ड्राफ्ट 2019 आया है तब से लेके 2024 तक 5 साल से हिंदुस्तान में क्या 10,000 रिसर्चेज इन द सेंस आर्टिकल नहीं लिखे गए होंगे, कुछ PhDs भी हुई होंगी और प्रोजेक्ट वर्क सैंक्शन हुए और लेक्चर दिए गए, वेबिनार हुए, सेमिनार कितना हुआ, क्यों, क्योंकि गैप इन पॉलिसीज़ कहीं हैं, कहीं ग्राउंड लेवल रियलिटी को नहीं समझाया, ग्राउंड लेवल पे उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सब जानने के लिए रिसर्चेज हो सकती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि इतना पढ़ने पर भी आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप सक्षम नहीं हो रहे हैं कि हम किस पे रिसर्च करें, तो फिर आप अपने एक्सपर्ट से पूछ लीजिए कि आपके दिमाग में क्या कोई ऐसा प्रश्न है जो आपने सोच रखा है कि आप अपने स्कॉलर से करवाएंगे, तो वो बता दीजिए कोई ऐसी, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, आपने हमसे ज़्यादा लिटरेचर रिव्यू कर रखा है, तो वहाँ से भी पता चल सकता है, ठीक है। फिर ये एक सेल्फ चेकलिस्ट है ये जानने के लिए कि आपने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम का को कैसे बनाया, अच्छा बनाया कि नहीं, तो सबसे पहले तो सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम देख लीजिए, वही इसमें भी बताया कि अनुभव से मिलेगा या किसी थ्योरी के डिडक्शन से मिलेगा या रिलेटेड लिटरेचर से पता चलेगा या नॉन एजुकेशन सोर्सेज से, तो नॉन एजुकेशन सोर्सेज में वही आ जाएगा आपका सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, ये सब। फिर इनसे आपने एक टेंटेटिव प्रॉब्लम या स्टेटमेंट बना लिया, टेंटेटिव प्रॉब्लम यानी कि ऐसा हो सकता है, ऐसे करके टेंटेटिव, टेंटेटिव मीनिंग टेंड्स टू बी चेंज्ड, बदला जा सकता है, तो आप इसमें चेक करना शुरू कीजिए। सबसे पहली बात,
इज द प्रॉब्लम स्टेटेड क्लियरली, यानी कि क्या समस्या का को अच्छी तरीके से लिखा गया है, अगर नहीं तो आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हाँ आपने समस्या को अच्छी तरीके से लिख लिया है तो विल दी, आप दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछिए कि विल दी सॉल्यूशन कॉन्ट्रीब्यूट टू नॉलेज, क्या जो आप सॉल्यूशन निकल के आएगा वो ज्ञान के क्षेत्र में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। अगर नो आपको लगता है कि नहीं करेगा तो आपको दोबारा कंसिडर करना पड़ेगा अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को। लेकिन अगर आपको लगता है कि यस हम कॉन्ट्रीब्यूट भी करेंगे कुछ ना कुछ, तो आप ये सोचिए कि इज द प्रॉब्लम रिसर्चेबल, क्या जो समस्या है वह अनुसंधान करने योग्य है। अगर नहीं है आपको पता चलता है तो आपको दोबारा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं इस पर, तो आपको सोचना होगा इज द प्रॉब्लम सूटेबल फॉर यू, हमारे लिए उचित है कि नहीं। हम मतलब बहुत ही हम ऐसे ट्रेडिशनल फैमिली को बिलोंग करते हैं, हमारे लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और हम लिव इन रिलेशनशिप पे या कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, किससे बात करने जाएंगे, कहाँ से डेटा मिलेगा आपको, मत करिए ऐसी प्रॉब्लम पे रिसर्च। ओके, तो आपको रीथिंक करना पड़ेगा। फिर अगर यस आपके लिए प्रॉब्लम सूटेबल है, हम कर सकते हैं इस पर रिसर्च, तो आप ये देखिए कि क्या ये इथिकली अप्रोप्रिएट है, यानी नैतिक रूप से सही है, नीतिगत कोई गलती तो नहीं है इसमें। अगर नहीं अग्नि मतलब ठीक नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिकंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन हाँ इथिकली भी अप्रोप्रिएट है तो आपको देखना पड़ेगा क्या स्टडी क्वांटिटेटिव है, तो आप कहेंगे नहीं स्टडी क्वालिटेटिव है, वेल एंड गुड। क्यों? क्योंकि क्वालिटेटिव स्टडी में ज़्यादा इथिकल कंसिडरेशंस होते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा वन टू वन हम बात करते हैं, हम मन की परतें खोलते हैं अपने अपने पार्टिसिपेंट्स की, रेस्पॉन्डेंट्स की, तो हमें वहाँ इथिकल कंसिडरेशन देखना बहुत ज़रूरी होता है। और क्वांटिटेटिव है तो ठीक है, आपको बस ये देख लीजिए कि वेरिएबल और पॉपुलेशन आपने सही सही आइडेंटिफाई किया, अगर यस यानी कि आपका प्रॉब्लम स्टेट भी क्लियरली हुई है, कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रही है, रिसर्चेबल भी है, सूटेबल भी है, अप्रोप्रिएट भी है, तो और सब है, तो आप रुक जाइए, आपका काम यहाँ ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप नहीं हैं, आपने मतलब वेरिएबल्स और पॉपुलेशन सही सही डिफाइन नहीं किया है, तो आपको रीराइट करना होगा, दोबारा लिखना होगा। इतना आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम प्रॉपरली डिफाइंड हुई है कि नहीं। फिर हम किन बातों का ध्यान रखें, मैंने पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। सबसे पहली बात, एन ओवर डन सब्जेक्ट शुड नॉट बी नॉर्मली चोजन, यानी कि ऐसा काम मत करिए जिस पर बहुत काम हो गया है ना। जैसे हिंदी वगैरह में हम लोग सुनते थे कि तुलसी पे क्या काम करोगे, बहुत काम हो गया है, रामायण पे कितना काम हुआ है, आपका ये सूरदास पे इतने काम, मतलब वो मुद्दे जिन पे बहुत काम हो गया है उस पे आप काम मत करिए, क्योंकि फिर आप उसमें से नया क्या निकालेंगे ना। जैसे हम एडोलेसेंट गर्ल पे जब रिसर्च करने जा रहे थे, तो हमसे भी ये कहा गया एडोलेसेंट गर्ल पे क्या रिसर्च करनी है, उस पे बहुत काम हो चुका है। लेकिन हमने थोड़ा सा मतलब इस तरह से उसको किया कि नहीं, वो फिर अलग काम हुआ, अच्छा काम हुआ। उसी तरह से कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट शुड नॉट बिकम द चॉइस ऑफ एन एवरेज रिसर्चर, यानी हमारी रिसर्च स्किल अगर एवरेज, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसर्चर नहीं हैं, तो हमको कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट नहीं चुनना चाहिए। बहुत संकीर्ण या बहुत वास्ट हमको प्रॉब्लम नहीं चुननी चाहिए, हमको प्रॉब्लम ऐसी चुननी चाहिए जिससे हम फेमिलियर हों और वो फीसिबल हो। हमको ये भी ध्यान देना होगा कि जो सब्जेक्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी क्वालिफिकेशन, जो रिसर्चर है उसको कितना ट्रेंड है, कितना खर्चा आएगा, टाइम फैक्टर कितना है। आप 10 साल का कोई काम नहीं लेके पीएचडी कर सकते हैं, आपको उसके लिए 3-4-5 साल में उसको ख़त्म करना है, तो ये सारी बातें भी हमको देखनी होंगी। तो इस तरह से इतनी सारी बातों पर आप ध्यान देंगे, तब आप रिसर्च प्रॉब्लम अपनी बना पाएंगे अच्छी। और आपसे मतलब उम्मीद क्या की जाती है कि बस आप 10-15 दिन में अपनी सिनॉप्सिस बनाकर जमा कर दीजिए। तो खैर वो होता है कि चलो टेंटेटिव है, चेंज किया जाएगा, बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो नहीं चेंज होता है ना, वो तो आपका स्टिक रहेगा, आपको उसी पर पीएचडी करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अब आप जब आप पीजी कोर्सेज में जाएं, जब आपने मन बना लिया हो कि आपको पीएचडी करनी है, तो आपको कोई मुद्दे पर सोचना चाहिए, रिफ्लेक्टिव थिंकर बनना चाहिए, ताकि शुरुआत से बहुत दिनों से वो बात आपके दिमाग में चल रही हो, आप उस पर पढ़ रहे हों, बहुत रिव्यू आप ऑलरेडी कर चुके हों, तो आप बढ़िया प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मतलब बढ़िया प्रॉब्लम बना पाएंगे। ओके, सो इन दिस वे मैं समझ सकती हूँ, कोशिश कर मतलब उम्मीद कर सकती हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फॉर माय सेट। कैसा आया है?